12 जून को महागठबंधन की बैठक होने वाली थी पटना में, मगर अभी फिलहाल के लिए टल गई है। कई सवाल हैं जो उभर कर आ रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रतीक सिंह, उनसे अभी कुछ जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन और कांग्रेस और भी जो घटक दल हैं उनके अंदर में, उन सभी में। सर, इन तमाम जो महागठबंधन की बैठक होने वाली थी, नेताओं की आने की बातें हो गई थी, अब एक सप्ताह ही बचा था और ऐन मौके पर कह सकते हैं कि महीने भर से चल रही थी बातें और ऐन मौके पर रुक गई, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बैठक की तैयारी हो चुकी थी और स्थान भी तय हो गया था कि कहाँ बैठक होनी है, सब कुछ हो गया था। और अचानक नीतीश कुमार ने एक दिन पहले सोमवार को ऐलान कर दिया कि बैठक नहीं होगी और कारण बताया कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी विदेश में हैं और खड़गे जी के पास समय नहीं है बैठक में शामिल होने के लिए। और नीतीश कुमार ने कहा कि इस बैठक में वही शामिल हो सकता है जो पार्टी का हेड हो, यानी जो डिसीजन लेने में सक्षम हो पार्टी की तरफ से। तो जब खड़गे नहीं रहेंगे, राहुल गांधी नहीं रहेंगे, सोनिया गांधी नहीं रहेंगी, तो पार्टी के किसी और दूसरे नेता के भाग लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई दूसरा नेता तो कांग्रेस में डिसीजन ले ही नहीं सकता। तो क्या कांग्रेस इस तवज्जो नहीं दे रही है नीतीश कुमार की बातों को, महागठबंधन की बातों को और विपक्षी एकता को, ये सवाल है? देखिए, नीतीश कुमार जो पटना में बैठक कर रहे हैं या करने वाले थे, वो कांग्रेस उसको पसंद नहीं कर रही है, सच्चाई जी। ममता बनर्जी से मिलने गए थे कहा जा रहा है, ममता बनर्जी से मिलने गए थे और ममता बनर्जी ने ही सलाह दी कि पटना में मीटिंग करिए दिल्ली की जगह, और इसका मकसद ये था कि कांग्रेस की मठाधीशी खत्म हो, कांग्रेस जो हमेशा लीड करने के रोल में रहती है वो लीड न करे, लीड कोई और करता हुआ दिखे और कांग्रेस अपने घुटने पर आए। तो कांग्रेस पार्टी ये बात समझ गई थी और कांग्रेस पार्टी ने शायद कर्नाटक के चुनाव के बाद उसका मनोबल बढ़ा हुआ है कांग्रेस का जी। तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में आकर बैठक में भाग लेगी तो संदेश जाएगा कि कांग्रेस के शरण में नीतीश के शरण में कांग्रेस चली गई। तो कांग्रेस ये संदेश नहीं देना चाहती थी कि नीतीश के भरोसे हो बैठे या उनके शरण में चली गई, मतलब कि कांग्रेस मुक्त भारत ये लोग भी चाह रहे हैं, बस मजबूरी के लिए साथ रखना चाहते हैं। देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, नीतीश कुमार तो विपक्ष को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं और पूरी ईमानदारी के साथ जुटे हुए हैं, दिल्ली से लेके महाराष्ट्र तक गए, कहाँ नहीं गए जी। वो दूसरी बात है कि बहुत जगहों पर सफलता नहीं मिली, और अभी जो बैठक होनी थी 12 तारीख को, उसमें केवल कांग्रेस पार्टी के नेता ही शामिल नहीं होने वाले थे, केजरीवाल लाने के लिए तैयार नहीं थे और भी KCR आने के लिए तैयार नहीं थे, तो कई ऐसे बड़े नेता थे जो इस बैठक में भाग नहीं ले रहे थे। तो फिर विपक्ष की बैठक दिखावे की बैठक हो जाए, बैठक हो तो उसमें कोई ठोस फैसला हो जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है, नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि विपक्ष भी जुट जाए। उन्होंने फार्मूला भी बनाया है कि हर सीट पर विपक्ष का एक उम्मीदवार होगा, तो हर सीट पर विपक्ष का एक उम्मीदवार का फार्मूला अगर लागू हो गया तो बीजेपी की मुश्किल वाकई बढ़ जाए, लेकिन ये बहुत आसान काम नहीं है। जो वोट कट रहे थे वो एक जगह है, हाँ, तो लेकिन बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस उसका बढ़ा हुआ है और कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि वही लीड करे। अच्छा, उसके बाद देखिए, राहुल गांधी भले लीड नहीं कर पाए, अभी तो उनकी सदस्यता चली गई है, दो साल तक तो कुछ चुनाव भी नहीं लड़ सकते हो, तो मुझे लगता है 2 साल की सजा हुई है तो सजा के बाद 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो खड़गे तो आ सकते थे ना, खड़गे आ जाएंगे, कांग्रेस पार्टी खड़गे को आगे कर देगी। अच्छा, ये तो कांग्रेस पार्टी करती रही है जी, कभी मनमोहन सिंह को आगे करती रही है, कभी देवगौड़ा को आगे करती रही है, किसी न किसी को PM बनाती ही रही है, इस बार भी वो खड़गे को आगे कर देगी। खड़गे दलित नेता है, उनका विरोध करना भी बड़ा मुश्किल होगा। मगर नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करने में लगता है कि कांग्रेस थोड़ा उसमें नाखुश हो जा रही है। नीतीश कुमार बहुत अनुभवी नेता है, इसमें सबकी कोई गुंजाइश नहीं है, शासन प्रशासन चलाने का बहुत अनुभव है, 18 साल से तो बिहार में ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं और राजनीति के माहिर खिलाड़ी, और विपक्ष गोलबंद करने में हम क्या भी निभा रहे थे और आगे भी निभा सकते हैं। तो कांग्रेस के लिए सहूलियत ही थी नीतीश कुमार से, उसको फायदा ही था, लेकिन कांग्रेस इतना सेक्रीफाइस करने के मूड में नहीं है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार आपको बना दे, मुझे लग रहा है। तो कांग्रेस पार्टी अभी इस मूड में नहीं है कि अपने पार्टी के बाहर के किसी नेता को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में खड़ा करे।
हो सकता है कि बाद में परिस्थिति ऐसी बने, लेकिन अभी नहीं मंत्री तैयार। मतलब विपक्ष का लगाम अभी कांग्रेस छोड़ना नहीं चाह रही है, ये बातें कुल बिल्कुल चाहते कि नेतृत्व तो उसके हाथ में है जी, वही लीड करे। अभी महागठबंधन की बात हो रही है तो छोटे छोटे बिहार की जो पार्टियां हैं, जो चार चार विधायक लेकर अभी सदन में अभी अपना हनक दिखाते रहते हैं, जैसे मांझी जी की, सानी जी की, तो ये सब भी कहीं ना कहीं वहां पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे अपनी सीटों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। देखिए पांच लोकसभा की सीट मांझी जी, देखिए महागठबंधन बिहार में कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत है जी। आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और जीतन लंबाजी, इतने दोनों को मिलाकर सात दलों का गठबंधन बहुत मजबूत है। बीजेपी अभी अकेली है, तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि जितने छोटे दल हैं जिनके 5% 4% वोट हैं उनको साथ लाने की। उपेंद्र कुशवाहा साथ आ जाएंगे तो कन्फर्म है, बीजेपी के साथ आएंगे, कई बार मुलाकात कर चुके हैं बीजेपी के नेताओं से। चिराग पासवान भी बीजेपी के साथ जाएंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि वो मोदी के मान अपने को बताते रहे हैं, तो सीट मिलेगा मन माफी तो जाएगा। मांझी जी पे बड़ा है ये, पांच सीटों का मांझी पर भी नजर है जी बीजेपी की, और मांझी ने जिस तरह से पांच सीटों की मांग कर दी है, एक तरफ तो कसम खा रहे हैं कि नीतीश के साथ नहीं छोड़ेंगे, दूसरी तरफ बार्गेन भी कर रहे हैं, तो पांच सीटें तो उनको महागठबंधन में मिलने वाली नहीं। महागठबंधन के पास सीट ही कहाँ है, सात दल है और वही बड़ी बड़ी तीन बड़ी पार्टियां हैं, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, फिर इनके लिए पांच पांच सीट कहाँ से, उसमें भी वाम दल, वाम दल भी है, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, चार चार, और तो ऐसे में पांच पांच सीट अगर मांझी को देंगी, देंगे तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार, तो उससे कम सीट पर कौन तैयार होगा, ना सीपीआई तैयार होगी, ना सीपीएम तैयार होगा, ना माले तैयार होगा, तो उतनी सीटें ही नहीं, 40 सीटें हैं, और कम से कम 15 सीटों पर तेजस्वी और नीतीश कुमार लड़ना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि 10 सीटों पर ही सारे सहयोगी दलों को समेट लिया जाए, लेकिन मांझी ने पांच सीटों की मांग कर दी है, ये बहाना हो सकता है महागठबंधन छोड़ने का। चर्चा तो चल ही रही है कि मांझी को बीजेपी अपने पक्ष में लाना चाहती है, मांझी अमित शाह से मिल भी चुके हैं, और चर्चा ये भी है कि उनको गवर्नर का ऑफर है, गवर्नर बनाए जाने का, बेटा को लोकसभा चुनाव लड़ाए जाने का, मंत्री बनाए जाने का, तो मांझी जी तो बेटे के लिए कुछ भी कर सकते, मतलब कि ऑफर मिलेगा तो कसमें बांधे सब टूट, सब टूटता रहता है। मांझी को बोला एक लौते नेता नहीं है जो कसम तोड़ेंगे, बहुत ऐसे नेता हैं जो कसम वादा तोड़ते रहते हैं, राजनीति में वही चतुर खिलाड़ी है, वही आगे जा सकता है, वही सफल हो सकता है जो सही समय पर सही फैसला दे, मतलब सही समय पर सही। मगर कुल मिलाकर निराकरण यही निकला कि महागठबंधन पूरी एक हो जाए, ये इसमें काफी कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल है, ये समझ में आता है नीतीश कुमार के लिए। हाँ, महागठबंधन को एकजुट करना, पूरे विपक्ष को देश भर में एकजुट करना, गुलबंद करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, नीतीश कुमार इस बीमारी को बखूबी निभा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी खुले दिल से उनकी मदद करती, उनके साथ खड़ी होती, तो तस्वीर कुछ विपक्ष को फायदा, तस्वीर कुछ और होती है, और ज्यादा जोश खरोश के साथ अपने मुहिम को आगे बढ़ा सकते। एक विपक्ष में लेकिन अब तो उनको लगता है कि कांग्रेस को उनका नेतृत्व ही स्वीकार नहीं है, और इससे तो उनके मनोबल को असर पड़ेगा। उन्होंने तो गेंद कांग्रेस के पाले में फेंक दिया है और कहा है कि कब कहाँ बैठक होगी ये कांग्रेस पार्टी अब तय करेगी। एक विपक्ष की पार्टी अभी अभी नेशनल पार्टी बनी है, आखिरी सवाल ये, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, उनके खिलाफ देखते हैं कि कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी लोग बोल रहे हैं और कांग्रेस के लोग भी। देखिए ममता बनर्जी, ये दोनों का सेटिंग, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के साथ लाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। ममता कांग्रेस से ही निकली हुई विरोधी है, कांग्रेस से ही निकली हुई है और कांग्रेस से 36 का रिश्ता है उनका, वो कांग्रेस को देखना नहीं चाहती है। उन्होंने ही कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए दिल्ली की जगह पटना में बैठक बुलाने की सलाह नीतीश कुमार को दे दी। अरविंद केजरीवाल की लड़ाई हर जगह कांग्रेस से ही है, दिल्ली में लड़ाई कांग्रेस से है, गुजरात में लड़ाई कांग्रेस से है, हरियाणा में लड़ाई कांग्रेस से है, तो कांग्रेस कैसे अरविंद केजरीवाल को सहजता के साथ स्वीकार कर पाएगी, और कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों से ही कांग्रेस की लड़ाई है, तो ऐसे में बहुत आसान काम नहीं होगा, कांग्रेस को बहुत बड़ा दिल रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसमें एक बात निकल कर आ रही है कि अगर किसी को भी, किसी भी पार्टी को कांग्रेस बढ़ाती है तो वो अपने लिए एक खतरा राज्य में
मतलब अपना लुप्त मुक्ति का बिल्कुल क्षेत्रीय दलों को ज्यादा वो नहीं चाहती है बढ़ावा देना। क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि उसकी कमजोरी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। कांग्रेस मजबूत होगी राष्ट्रीय स्तर पर तब न क्षेत्रीय दलों से ज्यादा बार्गेन कर पाएगी। बिहार में जितना कांग्रेस की हैसियत होगी, जो ताकत होगी, उसके आधार पर ही वो सीटों की मांग कर सकती है। यहाँ तो 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, ओनेस जीती। तेजस्वी यादव का तो मानना है कि कांग्रेस की वजह से ही उनकी सरकार नहीं बन पाई, कम कम सीटें। हाँ, तो इस बार तो कांग्रेस को उतनी सीटें मिलने से रही। लोकसभा में 9 सीटें मिली थी, इस बार 7 भी मिल जाए तो इस बार और कम, बहुत ज्यादा ही है जी। क्योंकि महागठबंधन में 7 दल है, सबको 7 लेके चलना है। माझी हट भी जाएगा तो भी 6 दल है, और सबको संतुष्ट करना बहुत आसान काम नहीं है। और नीतीश कुमार तो पूरे देश में विपक्ष को एकजुट करने के लिए, बिहार में हो जाएगा खिचड़ी, मतलब बिहार में ही संभालना मुश्किल है, तो फिर पूरे देश की बात मुश्किल है। तो ये बात कर रहे थे हम वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी से, इन्होंने तमाम बातों पर अपनी जो बातें थी वह समझाई। बाकी आप बने रहिए, मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।